हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गई। वैसे बच्चों की आप ही नहीं रही, मैं खाली खाली वो आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो जी। कहाँ चले? हाँ उसको कर तो दिया मैंने ना? ओके सरफा। हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा जी। ये नहीं है? अच्छा, शो ग्रिड वीडियो। हाँ ठीक है आ रहा जी। ठीक हो गया। ठीक है अब कहाँ जाना है? न्यू शेयर लिख यार, इसको तो न्यू शेयर लिखा हुआ है। हम स्क्रीन यही नॉट कनेक्टेड। गई नहीं शेयर? अरे शेयर हो रही है ना ये। और मेरे पार्टिसिपेंट कहाँ हैं, स्टूडेंट कहाँ हैं? हाँ इनमें से अगर बात करनी हो तो, इनसे अगर डायलॉग करनी हो तो ओके। हाँ सारे वाले ना।
और कुछ भी नहीं है। लेफ्ट टू साइड शो मेरे पास ये तो उजाफा आया हुआ, मैं नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ रहा, ये कौन है, ये उजाफा आ रहा है। अच्छा नहीं तो मैं कनेक्ट हूँ ना, पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट हो गया मैं। अभी जाती है मेरे लैपटॉप से म्यूट अनम्यूट है। अच्छा अच्छा चली गई कहाँ से दिखा सही बताओ, आ गई आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है। ये इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ठीक ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये बच्चों खुद भी रीड करके देख सकते हो, इसे पढ़ें आप लोग। द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक मरहूम फेमस मैथमेटिशियन है आर्थर केले, उन्होंने 1857 में मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया। और इसमें आपको पता है कि मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम्स हैं,
इसमें सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कभी किसी क्वेश्चन में नीड पड़ जाए, नीड हो अगर आपको कि हाउ टू फाइंड और हाउ टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एग्जांपल आपके सामने है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इसमें नंबर ऑफ रोज आपके सामने दो हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री है, रोज फोर फाइव सिक्स, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो आपके पास टू थ्री वन, ये टू रोज हो गए, कॉलम वन फोर टू, कॉलम टू फाइव थ्री और कॉलम थ्री सिक्स वन। इसका ट्रांसपोज कैसे मालूम करें? तो आपने सिंपली जस्ट कन्वर्ट द फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। तो देखिए आपकी जो क्वेश्चन की फर्स्ट रो है फोर फाइव सिक्स, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में फोर फाइव सिक्स, और सेकंड रो आपके पास टू थ्री वन, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया, वो रो थी कॉलम। ये है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जहां जहां नीड होगी आप इस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। इसके टॉपिक आज वाले सेशन के थोड़े आसान से ही है, आगे फिर दूसरे देखेंगे। एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, कुछ इस तरह से आपने मैट्रिक में भी किया है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, टू रोज टू कॉलम, टू रोज टू कॉलम, और दोनों को ऐड करना है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट इज नेसेसरी कि बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम साइज, दोनों के रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल, तब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो आपने करना क्या है, सिंपली ए प्लस बी लिखेंगे, इक्वल का साइन, फिर ए को रिप्लेस कर देंगे बाय द मैट्रिक्स ऑफ ए, और ए के बाद प्लस बी है तो प्लस साइन शो करेंगे, और उसके बाद बी मैट्रिक्स, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में आपने सेम पोजीशन वाले ऐड करने, यानी फोर प्लस सिक्स, फाइव प्लस टू, थ्री प्लस सेवन एंड थ्री प्लस एट। अब ये फाइनल आंसर आपके पास है, टेन टेन सेवन नाइन। ये एक एग्जांपल मैंने की, अब ये मैं कुछ आपके लिए, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें आंसर क्या आता है। वहां पे एक लाल रजिस्टर्ड हुआ पेन के साथ, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करें।
अहमद कॉल किया, अहमद जी सर मैं कर रहा हूँ। फातिमा स्टार्ट किया सॉल्व करना? जी सर मैं कर रही हूँ, सेकंड कर रही हूँ। ठीक है, जब तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आंसर मैच करेंगे। जी दिलारा इस्लाम, नारा आवाज आ रही है? तैयबा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? जी सर स्टार्ट किया, एडिंग एडिशन शुरू कर दिया? जी 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 सर कर दिया। कौन सा चल रहा है सर? लास्ट है। ठीक है कर लें फिर आंसर मैच कर। जी जी सर। हाँ बच्चा तुम्हारा तो मेरा ख्याल है चला इंटर साइंस वाले हो ना? चला जी सर। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है ना। तुम्हारा इंटर साइंस है कॉमर्स है? कॉमर्स है सर। कॉमर्स। ठीक है ठीक है फिर सॉल्व करो फिर आंसर मैच करते हैं। हाँ भाई मंसूर चल रहा है क्वेश्चन? यस सर चल रहा है, आखिरी कर रहा हूँ बस।
सर मेरा मेरे हो गए सारे सवाल। आत्मा ने कर लिए जी। आंसर मैच कर लिए मेरा ख्याल सबने कर लिए होंगे। सर मैंने भी कर लिए। ओके बच्चे आंसर देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और फर्स्ट कॉलम 2-4 7 9 क्लियर जी सर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम 10-14-14 सेकंड कॉलम 6-10-14 थर्ड कॉलम 4-6-12 ओके सर। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम 10-2-14-6-10-2 और थर्ड कॉलम है 4-6-6 डन। यस सर। और मेरे सामने कर लिया ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर यहाँ तक कर नेट भी बार बार वो हो रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आपने एडिशन सीखा है, अब आ जाए सब्ट्रैक्शन पे। सेम प्रोसीजर, सिर्फ एक साइन को रिप्लेस करना है। वहां प्लस था माइनस लिखना है बस। और आपके सामने स्क्रीन स्लाइड दिख रही है आपको, ए माइनस बी। तो हमने ए की जगह ए मैट्रिक्स को प्लेस किया, माइनस की जगह माइनस को लिख दिया, बी की जगह बी मैट्रिक्स को प्लेस कर दिया। माइनस करेंगे सेम पोजीशन वाले, 4-6, 5-2, 3-7 and 1-8 और लास्ट स्टेप में रिजल्ट देख लो। ये तो आप सबको पता होगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो बाकी तीन जगह माइनस साइन आ रहे हैं, जबकि जहां 3 आ रहा है वो पॉजिटिव, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 का साइन पॉजिटिव है। इस एग्जांपल के बाद तीन इसी तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर वो करेंगे जो पेपर में आते हैं, उस स्टैंडर्ड के आते हैं, फिर वो वाले करते हैं। ये आप लोग स्टार्ट कर दें माइनस करना, ए माइनस बी 3 क्वेश्चन है आपके पास। स्टार्ट नाउ।
जी माजिद माजिद आवाज आ रही है हेलो जी सर हाँ बच्चा स्टार्ट कर दिया माइनस करना नो सर मैंने दोबारा ज्वाइन किया आवाज अटक रही थी ओके ओके तो स्लाइड माइनस वाली दोबारा करूँ सामने जी कर दें सर उड़िया माइनस वाला जी माजिद मैंने स्लाइड आ गई तुम्हारे सामने हाँ भाई नाइस उस्मान हो गया माजिद जी सर ये स्लाइड दिख रही है माइनस की ए माइनस बी जी 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 आ गई समझ में आ गई है समझ आ गई बात जी ये इसमें मीटिंग टाइम में ना जो 8 मिनट है खत्म हो जाएगा तो दोबारा फिर हम ज्वाइन कर लेंगे सर दूसरी वाली स्लाइड लगा दीजिए जिसमें क्वेश्चंस है ना नाइस उस्मान यस सर ओडिया तीनों यस सर यस तीनों कर लिए सर दो तो हैं तीसरा कह रहा हूँ आसान है सर वो रहा नहीं नहीं आराम से करो आराम से करो वो आसान से फिर आपको उधर लेके जाएंगे ना डिफिकल्ट की तरफ आराम से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन जी जी यस सर हो रहे हैं कौन सा तीसरा चल रहा है दूसरा चल रहा है सर ठीक है नहीं इनको मैंने Thank you.
अहमद कौन सा चल रहा है क्वेश्चन? अहमद अहमद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जैसे तीनों हो गए मेरे, तीनों हो गए जी सर। दो मिनट देके अभी ये डिस्कनेक्शन हो जाएगी 5 मिनट में ना, तो दोबारा फिर मैं आ जाऊंगा। ओके तो आप ठीक है, इसी आईडी पे सेम है ये। अब्दुल वासे अभी ज्वाइन किया है या शुरू से? अब्दुल वासे हेलो सर, अभी ज्वाइन किया है या शुरू से हो? स्टार्ट से हो, फ्रॉम द स्टार्ट? नहीं सर, असल में इंटरनेट इशू था तो मैं अभी ज्वाइन किया है, अभी इंटरनेट आया तो। ओके, इंटर साइंस है या कॉमर्स? सर कॉमर्स। आई एम रियली सॉरी सर। कोई बात, ये मैं स्लाइड दोबारा से बैक कर रहा हूँ माइनस वाली, कि दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो आप जरा देखेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। मुश्किल नहीं है ये, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी किया हुआ है तुमने। ये दो मैट्रिक्स हैं, टू रोज टू कॉलम वाली, ए और बी, सब्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी। तो इक्वल का साइन ए की जगह ए मैट्रिक्स माइनस बी की जगह बी मैट्रिक्स। अगर हमारा भी नेट ऐसी चलता है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो ए रिप्लेस बाय द मैट्रिक्स से माइनस साइन सेंटर में, बी रिप्लेस बाय द मैट्रिक्स भी, और सेम पोजीशन वाले आपस में या तो माइनस होते हैं या फिर प्लस होते हैं। तो 4-6 है, 5-2 है, सेकेंड रो में 3-1 है, सॉरी सेकेंड रो में 3-7 है, और नेक्स्ट में 1-8 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल आंसर आ गया। जो नंबर बड़ा है उसका साइन लिखेंगे, इसलिए 3 प्लस में रहेगा, रिमेनिंग 3 नंबर्स नेगेटिव में है, माइनस में। इसकी प्रैक्टिस है नेक्स्ट स्लाइड में। पहले अब्दुल वासे तीनों क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करना। दो मिनट के बाद बच्चों की मीटिंग टाइम फिनिश हो जाएगा, दोबारा फिर ज्वाइन करना है इसी नंबर से, इसी आईडी से जो दी हुई आप। हाँ जी, मैं अहमद के पास आ गया। अहमद आवाज आ रही है? यस सर। सर थोड़ी सबकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, थोड़ा लकड़ी बोलेगा सर। अहमद आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मेरे ख्याल सब ने कर लिए, मैच कर ले आंसर। यस सर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम -10, उसके नीचे 10 है। सेकंड कॉलम 3 है, फिर -7 है।
आया आंसर ठीक है? नहीं क्यों? अब्दुल वासे अभी तुम कर रहे हो ना सॉल्व, अब्दुल वासे अभी सॉल्व कर रहे हो? अहमद जी सर सही है, सही आ रहा है जी सर, सही आ रहा है। चलें सेकंड कॉलम भी, सेकंड क्वेश्चन पहला कॉलम -8 -2 0, सेकंड कॉलम -2 0 2।